देखिए, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कुछ लोग उसकी निंदा करने वाले होते हैं और कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं। तो लोग प्रशंसा करें या फिर निंदा, इसकी चिंता छोड़कर आप बस यही काम करो। सिर्फ एक ही बात सोचो कि आपने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 26 फरवरी के करंट अफेयर में। देखिए, आज के जो 11 सेलेक्टिव करंट अफेयर हैं, ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF भी मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो के PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है। और अगर आप इस तरह से ऐसे ही वीडियोज़ के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए, राष्ट्रपति शासन का जब भी हमारे दिमाग में नाम आता है तो हमें अनुच्छेद 356 याद आता है। क्यों? देखिए, राष्ट्रपति शासन से जुड़े जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। आर्टिकल 356 जो है, इसके मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। यानी कि किसी भी राज्य में अगर वहाँ की राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम नहीं करती है, आंतरिक अशांति वहाँ फैल जाती है या फिर कुछ और भी जो सरकारी मशीनरी फेल हो जाती है इसकी जो है, मतलब वहाँ पे अगर राष्ट्रपति को ये संज्ञान में आ जाए तो वहाँ पर जो है फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी भी राज्य में। तो हम बात कर रहे हैं पुदुचेरी की। यहाँ पर अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल भी बदले गए थे। मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था तो इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 356 लागू करना पड़ा। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में डेनिम ब्रांड ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए, अभी हाल ही में दीपिका पादुकोण को बनाया गया है डेनिम ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो इसको याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय समाज सेवी को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो देखिए, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज। जी हाँ, इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखिए, जो आपकी अंजलि भारद्वाज हैं तो इस पुरस्कार के लिए इनको जो है टोटल 12 व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुना गया है। यानी कि टोटल 12 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें अंजलि भारद्वाज का भी नाम शामिल है। देखिए, जबकि अंजलि भारद्वाज है, इन्होंने 2 दशक से अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है और ये एक जो है नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं जो कि सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे दो फैक्ट याद रखिएगा। पहले ये कि अंजलि भारद्वाज जो है ये कौन है, ये एक भारतीय सोशल वर्कर हैं और इनको अभी हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के लिए जो चुना गया है टोटल 12 व्यक्तियों के साथ। और देखिए, ये एक संस्था चलाती है, इसका नाम क्या है, सतर्क नागरिक संगठन, ये इसकी संस्थापक हैं, इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए, किस आयोग के कौन अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज से एक पेज बनाइए अपने नोटबुक में और उस नोटबुक में आप बस लिखेंगे कि किस आयोग के कौन अध्यक्ष हैं। तो आज मैं आपको बता कह रहा हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके नए अध्यक्ष बने हैं विजय सांपला। देखिए, किसी भी न्यूज़ को डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वो भी लिखित रूप में इसलिए देता हूँ ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके जो है वीडियो को देखते देखते स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको आराम से पूरी डिटेल में वैसे ही नोट कर लीजिए और ये हमेशा आपके लिए याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास नोट करने का टाइम ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा कीजिए हर पेज का। ठीक है, बाद में उसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। देखिए, जब विजय सांपला, इनके बारे में एक सबसे विशेष जानकारी ये है कि ये 2014 से 2019 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये किस प्रकार की संस्था है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा की गई थी और इसने जो है 19 फरवरी 2004 से काम करना शुरू कर दिया था भारत में।
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमने जान ली। एक प्रश्न में हमारे कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। देखिए प्रश्नों की संख्या तो हमारे 11, 12, 13 होती है, लेकिन उससे कम से कम आपके 50 से अधिक प्रश्न डेली तैयार होते हैं, 10 से 15 मिनट के बीच में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होता है। और देखिए अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद ने 25 फरवरी 2021 को न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड नामक एक ऐतिहासिक कानून को पारित किया है। देखिए जो सोशल मीडिया से जुड़े कानून होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में 25 फरवरी 2021 को एक कानून पारित हुआ, इसका नाम क्या है, न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड। और ये क्या कहता है, देखिए ये कानून जो है ये वैश्विक डिजिटल प्लेटफार्मों को अपने संबंधित प्लेटफार्मों पर ऑस्ट्रेलियाई समाचार सामग्री को प्रकाशित करने के लिए भुगतान की अनिवार्यता को जो है लागू करता है, और ये कानून मुख्य रूप से फेसबुक और गूगल पर लक्षित है। फिर सुनिए, जो आपका ये कानून बनाया गया है न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड, ठीक है, तो ये जो है ये कानून वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्मों में, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से हो गए, आपका फेसबुक हो गया और गूगल हो गया, ये सबसे चर्चित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इनको जो है अपने संबंधित प्लेटफॉर्मों पर ऑस्ट्रेलियाई समाचार, यानी कि अगर फेसबुक और गूगल अपने जो है पेज पर जो है कोई समाचार ऑस्ट्रेलिया संबंधित अगर ये प्रकाशित करते हैं, तो इसके लिए इनको जो है ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब ये उस न्यूज़ को जो है ये उस पर पब्लिश कर सकेंगे। छठा प्रश्न है कि किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है, यहाँ पर जो है फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा, और इस फूल प्रसंस्करण केंद्र को कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग के द्वारा नाभिकीय फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए होता क्या है, विभिन्न जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स की एक लिमिटेड टाइम तक वैलिडिटी होती है, मतलब फूल जो है 24 घंटे तक, या फिर जो है उस पर केमिकल्स वगैरह कुछ छिड़क दीजिए, या फिर उसको स्टोरेज बढ़िया हो अगर, ठीक है, तो उसमें अगर आप रखें उसको तो कम से कम 24 घंटे तक आप उसको रख सकते हैं, 24 से 48, ठीक है, उससे ज़्यादा इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये फूल ख़राब हो जाते हैं निश्चित समय के बाद, और इन खराब फूलों का जो है कोई भी महत्व नहीं है, इनको उगाने में काफ़ी खर्चा भी लगता है, तो कर्नाटक में एक आइडिया लाया गया कि क्यों ना हम एक फूल प्रसंस्करण, यानी कि फूल का जो रिसाइकिलिंग वाला जो है एक कहा जाए केंद्र जो है उसको स्थापित करें, वहाँ पे फूलों को प्रसंस्करण करके कुछ अन्य उत्पादों में बदलें। तो देखिए जो आपका ये फूल प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है कर्नाटक में, तो यहाँ पर क्या होगा, फूलों के द्वारा नेचुरल रंग यानी कि प्राकृतिक रंग, देखिए फूलों से भी कुछ प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, इसको इको फ्रेंडली भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इससे जो है हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होता है, केमिकल वाला जो कलर होता है उससे लाख गुना ही बेहतर होता है, तो फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, और फूलों से कागज़ भी बनाया जाएगा, और फूल की जो पंखुड़ियाँ होंगी, ठीक है, तो उनके फ्लेवर से अगरबत्ती की खुशबू जो आती है, ठीक है, रोज़ वाले आपने देखा होगा गुलाब, अगरबत्ती और उसके बाद मोगरा, कई सारे आते हैं फ्लेवर्स, तो अगरबत्ती, फिर कॉस्मेटिक्स उपयोग, देखिए गुलाब से डाबर गुलाबरी आपको जो नहीं देखा, आप देखा है अपने गुलाब जल, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाएगा, फूलों की पंखुड़ियों का पाउडर, पुष्प एम्बेडेड काम, पुष्प कला और सिलिका संग्रहित फूलों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में इसको बदला जाएगा, यानी कि फूलों से ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, कहाँ पर, कर्नाटक में स्थापित होने जा रहे इस फूल प्रसंस्करण केंद्र में। सातवां की स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये किसकी जो है जीवनी है, तो देखिए ये जीवनी आपकी है कबीर बेदी की, इनको आपने विभिन्न फिल्मों में देखा होगा, एक फिल्म आई थी मोहन जोदाड़ो, इसमें इन्होंने एक राजा के रूप में जो है उसमें भूमिका निभाई थी, तो कबीर बेदी जो है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, इनकी आत्मकथा यानी कि जो जीवनी है इसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, और इसमें इन्होंने क्या बताया है, देखिए ये पुस्तक पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से कबीर बेदी के जीवन के उतार चढ़ाव से जो है पाठकों को रूबरू कराएगी, और इस पुस्तक में इन्होंने अपने रिश्तों के बारे में बात किया है कि इन्होंने कब शादी की और कब इनका कैसे तलाक हो गया। 8वां प्रश्न की वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो ये चर्चा में क्यों आए, क्योंकि इन्होंने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया था, और देखिए जो आपका ये
इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम संगोष्ठी था, यानी कि सिंपोजियम था। इसका विषय था बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स। और इस संगोष्ठी यानी सिंपोजियम में विदेशों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस संगोष्ठी जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया था, देखिए इस संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय जल आयोग बांध पुनर्वास सुधार परियोजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के सहयोग से 24 से 27 फरवरी 2021 तक हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम के द्वारा किया गया था। नवा प्रश्न की पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद भारत के लिए 100 टेस्ट वाले टेस्ट खेलने वाले जो है भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए कपिल देव जो है ये ऑलराउंडर थे और ये फास्ट बॉलर हुआ करते थे अपने ज़माने के, कपिल देव जी। और इनके बाद ईशांत शर्मा जो है ये दूसरे ऐसे फास्ट बॉलर हो गए हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। देखिए ईशांत शर्मा से पहले कपिल देव ही भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले गेंदबाज हैं, इसको याद रखिएगा। और ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर की जो आगाज़ है ये किया था साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में। 10वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तिथि को वर्चुअल मोड में मैरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए पीएम मोदी जो है ये 2 मार्च 2021 को, यानी कि अगले महीने में 2 मार्च को जो है मैरी टाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। और जो आपका ये मैरी टाइम इंडिया समिट है ये देखिए ये 2 से 4 मार्च तक चलेगा और इसको वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। और मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 जो होगा ये भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग और राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है तथा फिक्की जो है ये इस शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार भी है। और जो आपका ये मैरीटाइम इंडिया समिट का दूसरा संस्करण होगा जो कि 2 मार्च से 4 मार्च तक चलेगा। तो देखिए ये जो है इसका विषय रखा गया है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। 11वां प्रश्न कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है, यानी कि समुद्र के अंदर सुरंग कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो देखिए इसको मुंबई में बनाया जाएगा, यह रखेगा। भारत की जो पहली अंडर सी सुरंग है इसको मुंबई में बनाया जा रहा है। देखिए मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, समझ लीजिए शाम को अगर मुंबई में निकलिए सड़कों पर तो वहाँ इतना क्राउड होता है, समझ लीजिए एक तरीके से लगता है कि मेला लगा हुआ है दशहरे का। जैसे इलाहाबाद में दिन भर तो सारे बच्चे सोते हैं लेकिन 5 बजता है जब, ठीक है, तो मार्केट वगैरह में रौनक बढ़ जाती है। वहाँ पे चाट फुल्की और फलों के ठेले लगने लगते हैं, खासतौर से इलाहाबाद का जो सलोरी प्लेस है, कटरा प्लेस है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इलाका लगता है मुझे। मैं तो वहाँ पे रह चुका हूँ इलाहाबाद में, तो काफ़ी यादें हैं वहाँ की। शाम को 5 बजे बाद लगता है कि दशहरे का मेला लग गया है, इतनी कम जगह होती है। अगर आपका 1 रुपया ज़मीन पर गिर गया तो वहाँ पर आप उसको उठा नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ होती है। बहुत अधिक संख्या में छात्र और छात्राएं शाम को 5 बजे मार्केट में निकलते हैं, 6-7 बजे तक वो घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, फिर 9-10 बजे के बाद फिर और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर रात भर पढ़ाई होती है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जब पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो सो जाता है। तो देखिए ये सुरंग बनाई जा रही है मुंबई में, याद रखिएगा कि भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। देखिए भारत की जो पहली समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग है इसका निर्माण मुंबई में तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और इसके वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। और इस जुड़वा सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 2.07 किलोमीटर, जो कि लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर के नीचे होगी, यानी कि अरब सागर में जो है 1 किलोमीटर नीचे सुरंग को बनाया जाएगा और इसका यूज ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन में। देखिए आज क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, आंसर बताइए। और दूसरा है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी, इनका नाम बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए सभी लोग जो है। और तीसरा कि हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताइए। पांचवा है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडे हैं उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए वी नारायण स्वामी जो है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, अब नहीं है।
दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी, तो देखिए देश आपका सऊदी अरब है। तीसरा था कि हाल ही में DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल को का 2 बार सफल परीक्षण किया है, तो देखिए इसका नाम है VLSR SAM। चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी, तो देखिए ये राज्य आपका पंजाब है। और पांचवा था कि हाल ही में NTPC ने भारत में किस इंटरसिटी रूट पर अपनी तरह की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की, तो देखिए ये रूट आपका है दिल्ली से जयपुर वाला। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए आज 10 बजे मेरा फिर धरना स्टार्ट होगा, 10 बजे सभी लोग लाइव आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।